खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की, अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है जहां पर सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है। सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है और सोनिया ने कहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी और रायबरेली की कमान संभाल। ये सोनिया गांधी की तरफ से इस वक्त में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी मिलना, इसका मतलब क्या है इस बात को आप समझ लीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी मिलना अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत है। सोनिया गांधी ने कहा है प्रियंका और राहुल, राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें, यानी राहुल गांधी अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़े, इस बात की अनुमति वो सोनिया गांधी ने दे दी है, सोनिया गांधी ने बोल दिया है। और ये खबर आपको मैं पुरानी खबर नहीं बता रहा हूं, 1 मई रात 8:35 की खबर है, 1 मई रात 8:35 की खबर है। सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है और सोनिया गांधी चाहती हैं कि दोनों ही चुनाव लड़ें और दोनों ताल ठोकने का काम करें। और सोनिया गांधी का ये कहना, सोनिया गांधी की हरी झंडी का मिलना, इसके अपने आप में कितने बड़े मायने हैं इस बात को आप समझिए। सोनिया गांधी जो है उनकी हरी झंडी का इंतजार जो है वो हो सकता है कि हो रहा हो, और पूरा मुझे लग रहा है कि एक सिस्टम के तहत कांग्रेस पार्टी जो है इसमें खेल रही है। बीजेपी को कैसे बाहर किया जा रहा है, बीजेपी को कैसे हाशिए पर डाला जा रहा है, इस बात को जरा आप समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त में कांग्रेस के हिसाब से चल रहा है। एक एक खबर जो है वो इस वक्त में कांग्रेस के रिपोर्टरों के पास में कोई काम होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 10 साल से आप पूछ करके देखिए कांग्रेस के रिपोर्टरों के पास में कितना खबर है और कितनी उनकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, लेकिन इस वक्त में कांग्रेस के रिपोर्टर को 24 घंटे के लिए स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, 24 घंटे के लिए। और स्टैंड बाई पर प्लेन की टिकट भी है साहब, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, लेकिन इन चैनलों के जो रिपोर्टर है नामांकन के लिए इनको भी वहां पर पहुंचना पड़ेगा। ये बात मैं बता देता हूं कि ऑनलाइन न्यूज इंडिया आपका चैनल वहीं से कवरेज करेगा। अमेठी और रायबरेली से ऐलान हुआ तो वो कवरेज आपको देखने को मिलेगी जो कवरेज किसी चैनल पर नहीं मिलेगी आपको। मैं भी इंतजार सिर्फ इस बात का कर रहा हूं कि कब यहां से हरी झंडी दिखती है और उसके बाद में कब यहां से नाम का ऐलान होता है और उसके बाद में स्टैंड बाई पर हमारे भी सब लोग हैं, पूछ पूछ करके रोजाना ही परेशान करते हैं कि कब जो है चले जाएंगे, कब चलेंगे। लेकिन मैं भी इसी बात में कि एक बार यहां से ऐलान हो, यहां से हरी झंडी दिखे और उसके बाद में वहां पर जाकर के झंडा गाड़ा जाए और स्मृति ईरानी जी की खैर खबर ली जाए कि स्मृति ईरानी ने 5 साल में क्या काम करवाया है, स्मृति ईरानी को इस बार लोग वहां पर दोबारा से मौका देंगे या इस बार विदाई करवा देंगे, इस बार 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, संजय गांधी अस्पताल को बंद करवाने का नुकसान हुआ है, हुआ होगा कि नहीं होगा, ये तमाम सारे सवाल हैं। और जिस तरीके से अमेठी रायबरेली से विधायकों को तोड़ने का भी जो राज्यसभा चुनाव के अंदर पूरा गेम चला, उस गेम का भी अब जनता हिसाब लेगी। जिस तरीके से अभी खबरें आ रही है मैं आपको बताने जा रहा हूं, रायबरेली अमेठी को लेकर के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, खबर ये है अंदर खाने की कि दोनों ने हरी झंडी दे दी है। रायबरेली और अमेठी को लेकर के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने हरी झंडी दे दी है और इसी से जो है वो मामला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं पर बीजेपी जो है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में बीजेपी के सामने ये है कि रायबरेली में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी उतारती है तो फिर किसको उतारा जाए। चिंता बीजेपी की अमेठी नहीं है, अमेठी में हार जीत की चिंता जरूर है, उम्मीदवार की जो चिंता है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की जो चिंता है वो रायबरेली को लेकर के, और रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी उतरती तो उतना हाई प्रोफाइल
कैंडिडेट खोज करके लाना वो अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। रायबरेली के अंदर प्रियंका गांधी के सामने किसको उतारा जाएगा, यही बीजेपी के सामने इस वक्त एक ऐसा सवाल है जो जिसका बीजेपी लगातार उत्तर टटोलने का कोशिश कर रही है। और अंदर खाने बीजेपी में भी इस वक्त में सारे घोड़े दौड़ाए हुए हैं और रायबरेली को लेकर के किसका जो है वो यहां पर उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर के इस वक्त में खींचतान चल रही है। एक बड़ी खबर मैं आपको जरूर दे दूं, 3 तारीख को 11 बजे, मैं बहुत कम बातें ऐसी होती जिनको मैं ये कह सकता हूं कि हाँ पुख्ता तौर पर कम से कम ये जानकारी सही है। तो 3 तारीख को 11 बजे आप कम से कम इस जानकारी को मेरी को लॉक करके रखिए, इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, 3 तारीख को 11 बजे एक जो है नामांकन जरूर होगा रायबरेली या अमेठी, और उसके बाद में दूसरी जो है नामांकन होगा। और इस वक्त में जो बीजेपी के सामने चुनौती है वो इस बात की है कि पूरा जो मीडिया कवरेज है कोई बीजेपी से पूछ ही नहीं रहा है कि भाई आपका रायबरेली का कैंडिडेट कौन है, जबकि अभी तक बीजेपी ने रायबरेली के अंदर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। लेकिन देखिए राजनीतिक तौर पर किस तरीके से हाशिए पर डाल दिया जाता है, ये आज की तस्वीर को देख करके आप समझ सकते हैं। बीजेपी से कोई नहीं पूछ रहा है कि आपका रायबरेली का कैंडिडेट कौन है, जबकि अगर आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर दिलचस्पी है, लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। अगर कहीं पर खबरें चल रही हो तो सिर्फ कांग्रेस को लेकर के खबरें चल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी को उतारेंगे या अमेठी से प्रियंका गांधी को उतारेंगे, रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी या राहुल गांधी लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे कि कौन लड़ेंगे, इस बात की सिर्फ चर्चा है, इस बात की जो है वो तमाम जगह पर जो है वो खबरें चल रही है, बीजेपी को लेकर के कोई खबर नहीं चला रहा है। बीजेपी का रायबरेली के अंदर कैंडिडेट कौन होगा इस बात को लेकर के खबर नहीं चल रही है। तो आप समझ करके देखिए, आज के समय में जो एक कहावत कही जाती है, जो दिखता है वही बिकता है, जो बिकता है वही दिखता है, यानी नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, गांधी परिवार का, वो इतनी अहमियत रखता है कि आज चर्चा जो है वो लगातार पिछले 4-5 रोज से और लगातार सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के हो रही है कि गांधी परिवार कब जो है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाता है और कब ऐलान होता है और कब यहाँ पर नामांकन के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आते हैं, इस बात की सिर्फ चर्चा है। चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी की तरफ से कौन, इसी से आप समझिए कि दुख कितना होगा। ये जो खबरें लगातार चल रही है ना, इससे कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस तो इस वक्त में बेनिफिट में है, कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रही है, कांग्रेस के लिए चर्चा हो रही है, और कांग्रेस इस रणनीति को भुना पाने में कामयाब रही कि सारा जो इस वक्त में मीडिया कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वो पूरा मीडिया कवरेज है। देखिए टीवी में आने के लिए साहेब ने क्या क्या नहीं किया, और टीवी से राहुल को आउट करने के लिए क्या क्या नहीं किया, टीवी से कांग्रेस की खबरों को दरकिनार करने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन अगर कोई भी चैनल आप खोल के देखेंगे, इस वक्त कहीं पर भी आप खबर खोल करके देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक यही खबर है कि अमेठी में कौन, रायबरेली में कौन, प्रियंका गांधी कहां से, राहुल गांधी कहां से। तो कांग्रेस पार्टी की अपने आप में बहुत बड़ी जीत तो यही हो गई, और कांग्रेस पार्टी ने यहीं पर आधा मैदान मार लिया कि आपने पूरा मीडिया कवरेज से, मीडिया अटेंशन से बीजेपी को आउट कर दिया है। स्मृति ईरानी की चर्चा नहीं हो रही है साहब, किसी को पता है, कोई खबर लगी है कि स्मृति ईरानी का नामांकन होने के बाद उन्होंने कहां क्या प्रचार किया, कहां गई वो, क्या प्रचार किया, एकदम निलबटे सन्नाटा बीजेपी की तरफ से। बताइए ये टीवी जो है वो आज कांग्रेस के लिए चर्चा कर रहा है, बीजेपी के लिए अपने आप में आधा दुख तो यहीं पर है, और बीजेपी के अपने आप में आधी हार यहीं पर है कि चर्चा जो है वो कांग्रेस की हो रही है। साहब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण यही बना हुआ है इस वक्त में कि इतनी ताकत लगाने के बाद, इतने चैनल खड़े करने के बाद, इतना सब कुछ खड़े करने के बाद
चर्चा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हो रही है। खबर आपको दिखाता हूं, खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की, अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है जहां पर सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है। सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है और सोनिया ने कहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी और रायबरेली की कमान संभाल। केवल चर्चा और केवल इंतजार वो बीजेपी के कांग्रेस के खेमे में नहीं हो रहा है, बीजेपी के खेमे में कांग्रेस से ज्यादा इंतजार हो रहा है। और सोनिया गांधी की हरी झंडी मिलना, सोनिया गांधी की तरफ से कहा जाना कि आप दोनों जाइए और दोनों जाकर के चुनाव लड़िए, सोनिया गांधी ने ही रायबरेली की सीट खाली की है। और रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ने खाली की है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों खाली की गई। वरना यह कहा जाता है कि सोनिया गांधी कम से कम जो है वो इस बात पर भी चुनाव लड़ सकती थी और जीत सकती थी, उनके पास में बहुत बड़ा मुद्दा था और वो उस बड़े मुद्दे पर सिर्फ एक बार जाकर के अपील करती और उसी अपील पर चुनाव जीत जाती कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव है। ये सिर्फ एक लाइन उनका कहना, एक लाइन उनका कहना कि ये आपकी आपके राजीव की बहू का आखिरी चुनाव है, ये इंदिरा की बहू का आखिरी चुनाव है, ये एक लाइन जो भावनात्मक लाइन जो अमेठी के लोगों को गांधी परिवार से जोड़ती है, ये कहना राहुल सोनिया गांधी का कि गांधी परिवार की आपकी बहू का, रायबरेली की आपकी बहू का ये आखिरी चुनाव है और ये आखिरी चुनाव में आप क्या करेंगे मेरे साथ इंसाफ करेंगे ना, ये कहना और सिर्फ वो ये कहकर के वहां से वापसी आ जाती, प्रचार के लिए भी नहीं जाती तो रायबरेली से बिल्कुल आसानी से वहां पर सोनिया गांधी जीत सकती। मुझे खूब अच्छे से याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चुनाव जीते थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कैंपेन चलाया था उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कॉफी विद कैप्टन के नाम से जैसे चाय पर चर्चा मोदी जी ने चलाया, उसका काउंटर जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में चलाया कॉफी विद कैप्टन, और उन्होंने भावनात्मक तौर पर जो इस चीज का इस्तेमाल किया था कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव और इस चुनाव के बाद मेरा चुनाव नहीं, और यही जो है वो सिद्धारमैया ने कर्नाटक के अंदर किया। तो ये जो नेताओं के साथ में जुड़ाव रहता है किसी भी पार्टी के अंदर आप देखेंगे नेताओं के साथ में जो जुड़ाव होता है उससे कहीं ना कहीं जो है वो एक सीधे तौर पर बढ़त देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो फायदा होता है और उसका जो है वो असर होता है और ये तीर खाली नहीं जाता, ये जो इमोशनल तीर होता है ये खाली नहीं जाता है और ये तीर रंग दिखाता है, ये तीर जीत के रंग भरने का काम करता है। और प्रियंका सोनिया गांधी का ये दाव हर हाल में कामयाब होता और वो तो रायबरेली की बहू के नाम पर वोट मांगती, तो सोचिए फिर वहां पर जो है वो क्या माहौल होता और क्या रायबरेली के लोग सोनिया गांधी जिनको आज तक कभी नहीं हारी रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी, क्या उनको हरा करके भेजते वहां से, या इस बार भी जीत के साथ शानदार विदाई जो है वो दी जाती। और दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में आज तक बीजेपी कोई नेता पैदा नहीं कर पाई, आज तक कोई उम्मीदवार बीजेपी का नहीं है। राहुल गांधी को लेकर के तो फिर भी चर्चा चल रही है ना अमेठी में, लेकिन रायबरेली में किसी के नाम की चर्चा तक नहीं चल रही बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कोई उम्मीदवार तक अपना वहां पर तैयार नहीं करवा पाई है, कोई ऐसा उम्मीदवार वहां पर पैदा नहीं कर पाई है बीजेपी जो उम्मीदवार वहां पर बीजेपी को जीत दिला सके। और इसीलिए कांग्रेस ने पूरा का पूरा सिस्टम अपने तरीके से जो है वो बांध दिया है। इसके साथ साथ बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हरी झंडी दे दी। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है हरी झंडी देते हुए कि दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी को भी और प्रियंका गांधी को भी, दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि जो माहौल बना हुआ है वो माहौल फिर डिस्टर्ब हो जाए और उस माहौल में एक जो अभी चढ़ाव हम देख रहे हैं
दो चरणों के चुनाव में लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान नहीं है इस चुनाव में, और जो मोदी जी का मंगल सूत्र है वो चला नहीं साहब, मोदी जी के मंगल सूत्र को रिजेक्ट कर दिया, मोदी के मंगल सूत्र वाले मामले को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये छिछो मतलब कि प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से दिया गया बयान लगता ही नहीं लोगों को, इसलिए रिजेक्ट कर दिया उसको। और लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब की बार देखते हैं इंडिया गठबंधन, अब की बार देखते हैं राहुल गांधी को। ये जो एक मूवमेंट बना है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, और ये अपने आप में बीजेपी को जो है वो बेचैनी वहां पर पैदा कर रहा है कि अमेठी में तो राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी है, वो चुनाव लड़ रही है, पिछली बार 2014 और 2019 में। लेकिन इस वक्त में सवाल इस बात का है कि रायबरेली में बीजेपी क्या करेगी। रायबरेली में अगर कोई उम्मीदवार ढंग का बीजेपी नहीं ला पाई, और हाई प्रोफाइल उम्मीदवार लाना, कोई मान लीजिए कि बॉलीवुड से किसी को लेकर के जाया जाए, या लखनऊ से या दिल्ली से किसी हाईवेट को वहां पर भेजा जाए, तो रातों रात जो है वो रायबरेली के अंदर बीजेपी पकड़ जमा लेगी, या रातों रात बीजेपी जो है वो वहां पर अपना सिस्टम खड़ा कर देगी, ये मुमकिन दिखता नहीं है। क्योंकि आपको प्रियंका गांधी को हराना पड़ेगा रायबरेली में, और बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत शार्प नेता है, हर चीज का बड़े जबरदस्त तरीके से जवाब देती हैं। प्रियंका गांधी की आज की असम की तस्वीरें आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त तरीके से वहां पर रोड शो हुआ है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर प्रियंका के अंदर ही वो हिम्मत है कि वहां पर जाकर के रोड शो कर पाए, मोदी जी के रोड शो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें तो अमेठी में आया कौन, स्मृति ईरानी के लिए कौन आया नामांकन के लिए, जहां तो एक तरफ जो बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे साहब योगी आदित्यनाथ, राजनाथ पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे राजनाथ भी, मोहन यादव को भेज दिया गया। अब मोहन यादव की कितनी खुद की पॉपुलैरिटी है इस बात को तो आप समझते हैं, मैं मोहन यादव बोल रहा हूं तो एक बार को लोग ये थोड़ा सा दिमाग लगाने लगेंगे कि मोहन यादव कौन, किसके बारे में चर्चा हो रही है, कौन मोहन यादव की बात हो रही है, ये जो है वो लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े करने लगेंगे, इस बात को लेकर के लोग जो समझने लगेंगे मोहन यादव है कौन, फिर अच्छा वो मध्य प्रदेश के अभी नए वाले। तो ये स्थिति है, और ऐसे में आपको लगता है कि आप कांग्रेस को काउंटर कर पाएंगे वहां पर, शायद बहुत दूर की कोड़ी है। और इसीलिए इसीलिए जो है वो अब बीजेपी वहां पर जो है वो क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ कांग्रेस की चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने एक माहौल तैयार कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि इस तरीके से यहाँ पर अपने आप को जो है वो कांग्रेस ने एस्टैब्लिश करने का काम किया है कि बीजेपी के लिए बड़ी भारी मुसीबत जो है वो खड़ी हो। तो बहरहाल इंतजार जो है वो आखिरी ऐलान का है, और आखिरी ऐलान कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, और जैसे ही वो आखिरी ऐलान होगा तुरंत मैं आपके सामने खबर लेकर के आता हूं। अमेठी और रायबरेली को लेकर के आपका अनुमान और आपकी राय और आपकी पसंद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत